गया जिले के डोभी प्रखंड में चथरा मोड़ से गया डोभी मोड़ होते हुए पुनः चथरा मोड़ पे मृतक अरुणा देवी हत्याकांड के विरोध में सैकड़ों की संख्या में प्रतिरोध कैंडल मार्च बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। जहां स्वराज पार्टी गया विष्णुपद थाना क्षेत्र के माजनपुर अरुणा देवी की हत्या के करीब 2 सप्ताह बाद भी हत्यारों को नहीं पकड़ पाई। गया प्रशासन कैंडल मार्च में स्वराज पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष ठाकुर ने कहा कि अरुणा देवी बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, उसे सरकार की ओर से उचित मुआवजा और अरुणा देवी के बेटे रोहित कुमार को सरकारी नौकरी चाहिए ताकि रोहित अपनी बहन की शादी व परिवार चला सके, साथ में जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सके ताकि दोबारा इस तरह का जुर्म किसी और की बहन बेटी पर न हो सके। वहीं उपस्थित स्वराज पार्टी के जिला सचिव रामचंद्र कुमार शाह ने कहा कि मृतक अरुणा देवी के परिवार में जो झूठा केस हुआ है उसे निष्पक्ष रूप से जांच हो ताकि निर्दोष लोग झूठा केस में न फंसे। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर गया प्रशासन अरुणा देवी के फरार चल रहे हथियार को गिरफ्तार नहीं करती है तो मजबूरन गया में आक्रोश मार्च करेगी। माड़नपुर का ये घटना है, अरुणा देवी को मात्र सिर्फ आज से पूर्व 20 तारीख की घटना है ये, और मात्र 30,000 रुपए के लेकर के समूह से लेन देन था, इसके चक्कर में अरुणा देवी को जो है सो वहाँ के दबंग आपका जो क्या नाम है उसको रिंकी देवी के पति घर से बुला करके उनको पैसा ना देने के चलते इतना मार मारा बेल्ट से। रिंकी यादव घर पे बुला करके उनको बेल्ट से इतना मारा कि उनका मृत्यु हो गया। और इनको जो है से सुनने मारा कि जहर भी दिया गया है और वहाँ के प्रशासन जातिवादी कर रहा है, ये जात समझ कर उनको जो है से उल्टा उन पर कोई फंसाया गया है, उन पर भी उल्टा केस किया गया है। आज जो है सरकार हम लोग कहता है कि भाई अति पिछड़ा के लोग पर अत्याचार हो रहा है, सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा, तो हम सरकार से मांग करते हैं या प्रशासन या प्रशासन से मांग करते हैं कि अरुणा देवी को इंसाफ दीजिए, नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर जो इससे भी नहीं होता तो हम लोग विधानसभा घेराव करने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष ठाकुर है और मैं स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक से जिला अध्यक्ष गया। आज से करीब 12 दिन पहले की घटना है, ये विष्णुपद थाना क्षेत्र में एक माड़नपुर एक जगह है, वहाँ अरुणा देवी जो थी वो महिला समूह से पैसा लेती थी, कमेटी उठा की लोन लेती थी और उसको साप्ताहिक देना होता था, किसी कारणवश इससे पैसा व्यवस्था नहीं हो पाया। उस स्थिति में वहाँ के जो रिंकी देवी जो हैं इनको रिंकी देवी और उनके बेटे रोहित कुमार तो उसको उठा करके जबरदस्ती अपने घर पे ले जा करके उसके साथ बेरहमी से मारपीट किया और मारपीट भी ऐसा किया कि उसका जान ही चला गया। तो मैं गया प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि अरुणा देवी की जो भी हत्यारे हैं उन्हें 1 सप्ताह के अंदर जो फरार चल रहे हत्यारे उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके अरुणा देवी के न्याय दिया जाए। अगर इस तरह से अगर प्रशासन हत्यारों की गिरफ्तार नहीं करती है तो स्वराज पार्टी आज जो भी प्रखंड में कैंडल मार्च प्रतिरोध मार्च निकाला है, अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो आगे एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तार नहीं होता है तो गया में इससे भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। क्या नाम है आपको? मैं रामचंद्र कुमार शाह, स्वराज पार्टी गया जिला सचिव। क्या घटना है? घटना देखिए बहुत ही शर्मनाक है और बेहद ही मानवता के विरोधी घटना है। जो घटना घटी है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। घटना आज से करीब 12-15 दिन पहले की है, माड़नपुर की अरुणा देवी जो एक संस्था के द्वारा ऋण अपने कुछ आवश्यक कार्यों के लिए ऋण ली थी, लेकिन गरीबी इतनी थी कि वो ऋण की पैसा नहीं चुका पाई। अब नहीं चुका पाई तो जो ऋणदाता थे उनके रिंकी कुमारी और उनके परिजनों द्वारा उन्हें अपने घर में बुला करके पीट पीट करके जहर दे करके हत्या कर दी गई। यहाँ तक ही नहीं, जब इस घटना के बारे में FIR विष्णुपद थाना में दर्ज कराया गया तो वहाँ के थाना प्रभारी अपने जाति के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और अति पिछड़ा समाज के लोगों पर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। उनका जो करुणा देवी के जो बेटा है और बेटी है उनको जो कि अभी बालिग भी नहीं हुए हैं
उन्हें के ऊपर भी FIR दर्ज करके उन्हें भी डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो दोषी परिजन है वो बार बार इनके घर पर आकर के परिवार जनों को यह बता रहा है और डरा धमका रहा है कि अगर तुम FIR जो तुमने FIR विष्णुपद थाना में किया है उसे वापस नहीं लेते हो तो हम तुम्हारे घर में चहक करके मारेंगे, तुम्हारी बेटी को उठा करके ले जाएंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि क्या कानूनी राज व्यवस्था यही है? माननीय मुख्यमंत्री, आप हमेशा कहते हैं कि हमारे जो शासन व्यवस्था है सुशासन की व्यवस्था है, यहाँ दोषियों को संरक्षण नहीं, दोषियों की कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन यह घटना यह दर्शाती है कि यहाँ दोषियों को संरक्षण दिया जाता है और जो थाना प्रभारी है वो अपने जात के लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला